हिंदी सिनेमा जगत के प्रिंस एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि एक्टर सोनाक्षी सिन्हा के साथ अपनी शादी को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिसे सुनकर फैंस बहुत ही ज्यादा खुश हैं और इन्हें सोशल मीडिया के जरिए मुबारकबाद भी दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जहां फैंस एक्टर सलमान खान की शादी की खबर को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं, तो वहीं इनकी एक और खबर को लेकर बहुत ही ज्यादा हैरान है कि इन्होंने लॉकडाउन में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। आखिरकार क्या है ये मामला और किसके साथ इन्होंने शादी की थी, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी की पूरी जानकारी देंगे। मगर उससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सलमान खान इन दिनों अपनी शादी के लिए खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जी हाँ, ये जल्द ही खूबसूरत एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के साथ शादी करके घर बसाने वाले हैं, जिसे सुनकर फैंस ने इन्हें सोशल मीडिया के जरिए मुबारकबाद भी दी है और इनकी शादी को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। मगर आपको बता दे, वही एक और खबर सामने आई जिसे सुनने के बाद फैंस हैरान है। जी हाँ, खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सलमान खान ने पिछले लॉकडाउन में गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। बता दे, जिनके साथ इन्होंने शादी के 7 फेरे लिए थे वो कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ही थी, जिनसे इन्होंने पनवेल वाले फार्म हाउस में बिना किसी को बताए शादी कर ली। इसी वजह से इनकी कोई भी तस्वीर सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिली है और जब इस बात की खबर इनके घर वालों को पता चली तो उन्होंने सलमान को बहुत कुछ कहा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, और इसलिए इन्होंने उन सभी बातों को सुनकर सभी के सामने ऐलान कर दिया है कि अभी जल्द ही दोबारा से सोनाक्षी सिन्हा के साथ शादी करेंगे। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अब पूरी रस्मों रिवाज को कम्प्लीट करके जल्द ही सोनाक्षी के साथ शादी के 7 फेरे लेंगे, जिसकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, क्या आपको एक्टर सलमान खान की इस गुपचुप शादी के बारे में पहले से पता था? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।